सुप्रभात बच्चों, कक्षा 8 अभी तक आपने आपके जो एग्जाम्स थे उसमें आता था कौन सा पत्र? अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में आप अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को पत्र लिखते थे। इस बार आपके जो सिलेबस है उसमें है औपचारिक पत्र, तो इसके 2 उदाहरण मैं भेज रही हूँ और बाकी जो मैं पत्र लिखने के लिए भेजूंगी वो आपको खुद से लिखने होंगे, ठीक है? एग्जाम्पल देख लो, ये आपको अपनी ग्रामर कॉपी में वर्क करना है, ठीक है? देखो, पहला जो पत्र है, आपके पिताजी के तबादले के कारण आपको स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, यानी कि आपके पापा का या आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया है, परंतु अब आपके पिताजी का पुनः तबादला उसी शहर में हो गया है। पहले कहीं और ट्रांसफर हो गया था, वापस उसी शहर में आपको आना पड़ रहा है और आप उसी स्कूल में दोबारा से प्रवेश पाना चाहते हो, दोबारा से रीएडमिशन करवाना चाहते हो, तो प्रधानाचार्य को पुनः प्रवेश प्राप्त करने हेतु पत्र लिखना है। तो देखो इसका फॉर्मेट क्या होता है, जब प्रधानाचार्य को लिखा जाता है तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य जी, आपके अपने स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा स्टैनफोर्ड स्कूल, नीचे बहादुरगढ़, विषय लिखेंगे विद्यालय में पुनः प्रवेश पाने हेतु, लिखेंगे महोदय सभी ने निवेदन यह है कि वर्ष 2012 तक मैं आपके विद्यालय का छात्र था, उस समय जब मैं 8वीं कक्षा में था तो मेरे पिताजी का तबादला मुंबई हो गया था, जिसके कारण परिवार के साथ मुझे भी वहां जाना पड़ा था। इसी सप्ताह मेरे पिताजी का पुनः तबादला दिल्ली में हो गया है, इसलिए मैं फिर से या पुनः बहादुरगढ़ में हो गया है, इसलिए मैं फिर से आपके विद्यालय में दाखिला पाकर शिक्षा अर्जित करना चाहता हूँ। आज भी मेरे मन में मेरे विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं की छवि अंकित है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे पुनः विद्यालय में प्रवेश दे दें, जिससे मैं अपनी आगे की शिक्षा पूर्ण रूप से पूरी कर पाऊं। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्य में नाम नहीं लिखना, क खगा लिखोगे और डेट डालोगे, ठीक है? दूसरा देखो, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। कैसे? वही फॉर्मेट रहेगा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्टैनफोर्ड स्कूल, बहादुरगढ़, विषय विद्यालय से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के संबंध में, महोदय विनम्र प्रार्थना है कि मैं इस विद्यालय की 8वीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरे पिताजी घर पर ही किराने की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, इस दुकान में थोड़ी आमदनी ही हो पाती है, मेरे 2 अन्य भाई भी बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं, जिससे घर का निर्वाह मुश्किल से चल पा रहा है, इससे मैं पढ़ाई संबंधी छोटी छोटी जरूरतों के लिए परेशान रहता हूँ, आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय से आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें ताकि मेरी पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, या मेरी पढ़ाई बिना किसी विलंब के चलती रहे, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम लिखने की जरूरत नहीं, क खगा लिखना, कक्षा 8वीं और दिनांक डालना, ठीक है? ये दोनों आपको करने हैं, बाकी करने के लिए मैं आपको दूसरा पत्र भेजूंगी, वो आपको अपने आप से करना होगा, ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।